प्लस क्यू को सर मतलब एक वो बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है। ये है सर ओरिजिनल। अच्छा, यानी इसमें भी डुप्लीकेट किया? देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल उसी। हाँ सर, उसके लिए सर मैं कल 99% सर पीएम विंडो और सीएम विंडो को रिपोर्ट करूँगा, वहाँ से जो भी। तो सर आपकी संस्था है प्लस टू वेलफेयर? जी बिल्कुल। तो नरवाना में लगातार 3-4 दिन से कुछ महिलाएं आ रही है जो कह रही है कि वहाँ पर एक सुमित्रा नाम की एक महिला है और एक व्यक्ति है जिन्होंने उनके पैसे खाए हैं और फ्रॉड किया है। तो क्या कुछ मामला है, क्या पूरी संस्था ही शामिल है या फिर वो अकेली? नहीं सर, देखो पहले एक बार यही महिलाएँ हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ नरवाना में जुलूस निकाल रही हैं। सर टोटल मैं आपको बताता हूँ बात, इसमें संस्था में पहले 5 डायरेक्टर थे। 5 डायरेक्टर में दया किशन, सुमित्रा मैडम, सुनील कुमार, वीरेंद्र मेहरा और कविता लोट। 5 डायरेक्टर की सबकी अलग अलग सीटिंग है, अलग अलग जगहों पे वो लोग बैठे हैं जो डोनेशन कलेक्ट करके पब्लिक सेवा कर रहे हैं। जैसे लड़कियों की शादियाँ करनी है, कोई भी काम कर रही हैं वो हम बाद में बखान करेंगे। जैसे वीरेंद्र मेहरा और कविता मैडम दोनों बैठते हैं सफ़ीदो और असंध में, मैं राजौंद ब्रांच में बैठता हूँ और सुमित्रा मैडम नरवाना। टोटल नरवाना से वो कहाँ तक गई हुई है, जहाँ तक भी गई है वो टोटल सारे का सारा अब तक का सरे उनको ही जाता है। उन्होंने क्या काम किया, अगर वो ऑडिट देती है, अपना बैलेंस शीट, अपना चिट्ठा अगर हमें सौंपती है, यानी गवर्नमेंट के आड़े आ जाता है भाई हमने इतना डोनेशन कलेक्ट किया था और इतने लोगों की हमने हेल्प की है, इतने लोगों को हमने मदद किया है, तो संस्था उसको पूरे को कवर करेगी। और जो लोग बच जाते हैं, जो अभी पीड़ित लोग हैं, भाई हमारा यूँ रह रहा था, हमारा वो रह रहा था, इतना हमें मिलना था, वो सब संस्था के माध्यम से उनको मिल जाएगा। अगर मैडम एक बार अपनी ऑडिट बैलेंस शीट दे देती है और ITR भी भरवा देती है भाई उसकी संस्था में, अगर मान लो उसकी ब्रांच में संस्था में दो ये सभी का कहना है कि भाई 7 करोड़ रुपये डोनेशन आए उनके पास 31 मार्च 2021 से लेकर 22 से लेकर अब 1 अप्रैल तक का जो ब्यौरा है उसका वो भी नहीं दिया, और उसके बाद अप्रैल से जो नया सेशन शुरू हुआ 23 से 24 का उसका भी अब तक हमारे पास ब्यौरा नहीं आया है। यानी जो ऑडिट उसने देनी थी, ऑडिट बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट अब तक वहाँ की तैयार नहीं करवाई है उन्होंने, तो उसके बारे में मैं इन लोगों से एक भी बात नहीं कह सकता कि भाई मतलब मैं कवर करूंगा। मैं तब कवर करूंगा जब सुमित्रा मैडम अपना हिसाब करें, इन सब को साथ बिठा के बताए कि भी इतना आया था। देखो यहाँ पे बोल दिया भाई 10 लाख रुपए आया था, 10 लाख की हम तो मान लेंगे, अब उन्हीं लोगों को ऐड करेंगे जो लोगों का उनमें नाम होगा। अब फॉर एग्जाम्पल कुछ महिलाएँ जैसे मंजू जी हैं, इन्होंने काम कर दिया 25 लाख का वहाँ पे, अगर हमारे पास ब्यौरा इनका 5 लाख का है तो हम तो 5 लाख को ही मानेंगे भाई, 5 लाख इन्होंने डोनेशन कलेक्ट किया। तो वापसी में जो लोगों की इन्होंने हेल्प करवाई है, जैसे किसी को साइकिल दिलवाया या सिलाई मशीन में हेल्प करवाई है या किसी का भात या पीढ़ी की सुविधा दिलवाई है, वो तो इनको पता है या फिर सुमित्रा मैडम को पता है, वो उसकी बैलेंस शीट बनवा के हमें दें, तब हम पूरे के पूरे जितनी भी भड़क है इन लोगों की, जो भी प्रॉब्लम है इनकी, उसको सर मैं कवर कर सकता हूँ। अब मैडम जब तक सामने आकर इन लोगों से नहीं मिलती या मुझसे नहीं मिलती या मुझसे बात नहीं होती मैडम की, तब तक मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊँगा सर आप लोगों को। जैसे MD हो आप, तो जैसे कह रहे थे सुमित्रा के द्वारा कहा गया कि अगर मांगना है तो वो करेंगे साहब, आप करेंगे MD साहब, तो क्या आपने करना है साहब? नहीं सर, मैंने अब तक का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। मैंने अगर हिसाब की बात करते हैं 22 से 23 के सेशन का मैंने कोई हिसाब नहीं करना और 23 से 24 का मैंने कोई हिसाब नहीं करना। अगर 21 से 22 का कुछ किसी का पेंडिंग है तो वो मैं कर सकता हूँ सर। अगर 21 से 22 के सत्र में कोई भी पीड़ित व्यक्ति यहाँ बैठा है कि भाई 21 से 22 में हमने कोई सुविधा लगाई थी वो हमें मिली नहीं है, तो उसके लिए सर मैं उनकी सुविधा दे सकता हूँ। लेकिन 22 से 23 के सेशन में हमारे पास कोई ब्यौरा नहीं आया है और ना 23 से 24 के सेशन का अब तक कोई ब्यौरा हमारे पास है। अब तक भी लीगली में मैडम सुमित्रा जी डायरेक्टर हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट टाइम, अभी मैंने कल या परसों एक वीडियो देखी थी उसमें बोल रहे थे कि भाई मैं एडवाइज़र हूँ। आज सुबह देखी थी मैंने एक वीडियो फेसबुक पे, वो कह रहे थे कि भाई मैं एक डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं भी इनके जैसे एडवाइज़र हूँ। आप गूगल तो हमने नहीं बनाया,
जैसे वेबसाइट है मेरी, वो तो मैंने बना रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट है प्लस क्यू VSI लिमिटेड, वो मैंने बनवाई है, मेरी पूरी डेकोरेशन उसमें होती है भाई, मेरा जो कुछ भी है मैं अपने तरीके से उसको डेकोरेट करवा सकता हूँ, उसको मैं लीगली भी नहीं मानता भाई, लीगली है वो तो हमारे अपनी पहचान के लिए हम वेबसाइट बनवाते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो हैं गवर्नमेंट से ऑथोराइज होते हैं, उन पर उनकी वीडियो भी बनती है, तो आप गवर्नमेंट की साइट पर जाइए, गूगल पर जाइए, प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन को डालिए, वहाँ पर जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सब निकल के सामने आ जाएंगे, कौन कब अपॉइंट हुआ वो भी डिटेल उसके अंदर डली हुई है, आज तक का जितनी रिपोर्ट है, हमारी ऑडिट भी ऑनलाइन है, बैलेंस शीट भी ऑनलाइन मिलेगी, ITR भी ऑनलाइन मिलेगी, अब तीसरी सेशन चल रहा है, तीसरे सेशन का हमारा ऑडिट भी हो चुका है, बैलेंस शीट भी हो चुकी है और एनुअल रिपोर्ट भी बन चुकी है, ITR हमारी पेंडिंग है अभी तक तीसरे सेशन का, और संस्था को 3 साल पूरे हो चुके हैं 11 अगस्त 2023 को। तो सर जैसे ये विरोध के लिए वहाँ गए थे तो सुमित्रा ने वीडियो के माध्यम से ये भी कहा था कि मैं तो एक MD नहीं हूँ, एडवर्टाइजर बना रखी हूँ, तो आप ही लोग यहाँ उठाएंगे क्या? हाँ। एक बार आप सामने लेके आए, डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ मैं आपको, एक बार उठा लो ना, डॉक्यूमेंट निकालो। देखो जो सच है वो सच बताने के लिए सर मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, बहुत सारी बातें हो रही हैं, सुनील ने वो खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन ये बातें तब तक है सर जब तक आप लोग मुझसे बात कर रहे हो मैं सही हूँ, आप दूसरे की सुनोगे तो वो सही है, जब तक आमने सामने नहीं होंगे तब तक हम ये बात क्लियर नहीं कर सकते। मेरी मतलब मीडिया को भी रिक्वेस्ट है कि सर प्लस क्यू के फ्रॉड बोलने से पहले एक बार फाउंडर से ज़रूर मिलें, उसके बाद आगे अपनी जो भी न्यूज है वो छाप भी सकते हैं आप और चला भी सकते हैं। ये देखिए सर, आप कैमरे को आगे लेकर आइए सर, जैसे इसमें 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है, 5 डायरेक्टर यहाँ पे सिग्नेचर करते हैं सर, और तब जाके मतलब इसके अंदर आती है ये। यहाँ पे भी देखिए सर, ये मतलब इसमें मैं मुंबई गया था, मैं डोनेशन के लिए कंपनी में, ये 5 डायरेक्टर के द्वारा मुझे ऑथोराइज किया गया था कि भाई आप डोनेशन कलेक्ट के लिए बाहर जा सकते हैं। ये कुछ हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं रसीद भाई, जैसे बाहर गए हुए हैं कोई कंपनी अगर रिजेक्ट कर देती है एक्स्ट्रा हैं, उनमें भी सर 5 डायरेक्टर्स की डिटेल है इसके अंदर भी, अब तक का ब्यौरा ये है, और अब इसमें सर 6 डायरेक्टर हो गए हैं संस्था में, पहले मैं सिंगल ऑथोराइज था, अब 2 ऑथोराइज्ड है, बैंक में भी 2 बंदों के सिग्नेचर होते हैं तब जाके किसी भी दान को पब्लिक सेवा में लगाया जा सकता है बाई चेक के माध्यम से। अब तक जिन लोगों को प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का कोई चेक मिला हुआ है और उस पर सिंगल अगर ऑथोराइज सुनील कुमार के साइन है तो वो चेक नहीं लगेंगे, वो चेक तभी लगेंगे जब तक दूसरे ऑथोराइज के सिग्नेचर ना हो, जब उसके सिग्नेचर हो जाएंगे तब वो क्लियर होंगे, अन्यथा वो 0 है। सर ये महिलाएं कह रही है वहाँ विरोध करने के लिए तो पैसे वो सुमित्रा ने दिए थे, अब वो कहती है कि मैंने तो सुनील सर को दे दिए, तो अब तो सर वहाँ पर फ्रॉड कहाँ है सर? अब यहाँ पे देखिए सर, आप एक बात सोचिए सर, आप लोग मिनिमम 10th+2 से अब ही होंगे, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हम उससे रिसीविंग तो लेंगे, अगर वैसे ही दे देंगे, किसी भी ऑफिस में जाते हैं, आप बैंक में जाते हो, बैंक में ऑप्शन होता है आप रसीद भरते हो, रसीद का एक टुकड़ा आपको मिलता है, ठीक ऐसे ही हमारे यहाँ भी रसीद का एक टुकड़ा जो भी बंदा ऑफिस में पैसा जमा कराता है उसको मिलता है। अगर मैडम ने हमारे पास संस्था में पैसा जमा करवाया है या नरवाना ब्रांच में, अभिषेक जी एक बार मैं चाहूँगा कि वहाँ के क्लर्क जो है वो आए हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर भी वही हैं, आप उनसे रूबरू हो जाएँ एक बार नरवाना ब्रांच के, उस टाइम पे पहले ये राजौंद में काम करते थे मेरे पास, जैसे ही मैडम ने फ्रेंचाइजी लॉन्च करवाई उसके बाद अभिषेक जी को वहाँ पे रेफ़र कर दिया गया था, भाई आप अब नरवाना आपका नज़दीक है, आप नरवाना में जाके बात कर सकते हैं। अब ये बताएं अभिषेक जी से बात कीजिए, क्या इनके द्वारा पैसा कभी जमा करवाया गया था क्या वहाँ पर? क्या पद था आपका और क्या काम हो? ब्रांच मैनेजर का पद था सर मेरा, जो कैसा था वो काउंट करके ऑफिस में जमा करवाना, उनके पास जमा करवाना सुमित्रा मैडम के पास, ये काम था। तो जैसे सुमित्रा मैडम ने कहा कि कैसे सुनील सर को देते थे, तो किसी प्रकार को रिसीव भी किया हो? नहीं सर, यहाँ तक तो आए नहीं, पैसे वहीं रह जाते थे, सारा काम वहीं पर हैंडल करते थे, वो यहाँ तक तो भेजते नहीं थे कुछ। जब इतने लोग जुड़े लग रहे हैं फिर सर, मतलब
एमडी ने तो एक्शन लेना चाहिए भाई, इतने लोग जुड़ा लग रहे तो पैसा कहाँ जा रहा है, उसके बारे में डिटेल तो आपका मांगने का टाइम तो नहीं था ना सर, एक्शन तो लेते ब्रांच भी तो कितनी थी सर, काम भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो सर काम तो बढ़ना ही है, अब धीरे धीरे ब्रांच भी तो बड़ी होती जा रही है भाई। सर देखो मैं बताता हूँ, जहाँ तक हमारे पास से कॉपी जाने का मिशन होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये कॉपी है नरवाना ब्रांच से सर, आप लोग पूरा फोकस कीजिए, और प्लस क्यू को सर मतलब एक वो बना दिया, इशू बना के मतलब वो किया जा रहा है, ये है सर ओरिजिनल। अच्छा, इसमें भी डुप्लीकेट किया, देखो ना सर है कि नहीं है, एक बार मैच तो कर लो। बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ है बिल्कुल, तो आप देखिए ये ओरिजिनल है सर। जिन लोगों के पास ये क्या हुआ, जैसे मतलब ऑथोराइज थे वहाँ पे, एक ही हमारी प्रेस है प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की, एक ही प्रेस है जहाँ से डोनेशन स्लिप या दान की कोई भी रसीद है या ये पासबुक है डोनेशन पासबुक, जिसके माध्यम से बंदा अपनी हेल्प जितनी भी उसको चाहिए इसके अंदर लिखी हुई है, वह संस्था कहाँ तक बंदों को सपोर्ट कर सकती है, संस्था से कहाँ आकर मतलब। देखो सर अगर मान लो हम लोग फ्रॉड हैं, 11 अगस्त 2018 में सर संस्था लॉन्च हुई, क्या कोई भी फ्रॉड काम 4 लगातार चल सकता है? आप लोग बोलिए, अगर मतलब अगर मानते हैं आप लोग भी हाँ चल सकता है, तो मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग फ्रॉड हैं। प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में एक ही काम गलत हुआ है सर, उसको मैं मानता हूँ कि वो गलत हुआ है, वो है लोगों तक रोज़गार पहुँचाना। बाकी सुविधाएं तो सबको टाइम टू टाइम मिल रही थी। जो रोज़गार जब से लॉन्च किया मैंने 14 अप्रैल 2022 में, मैंने संस्था में ये चाहा था कि जो महिलाएं जिनके पास रोज़गार नहीं है वो महिलाएं घर बैठ के आराम से काम कर सकें, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वो महिलाएं काम करें मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ देर वो आराम कर लें भाई, जैसे भी भजन कीर्तन करें तो भी उनको 7,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। मैंने ये काम चलाया 6 महीने, यानी 14 अप्रैल 2022 में मैंने काम लॉन्च किया और 22 अक्टूबर 2022 में मैंने इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि जितना हम लोग चाहते थे लोगों से कोऑपरेट, लोगों के द्वारा डोनेशन जितना हम लोग चाहते थे उतना संस्था को नहीं मिला, संस्था उसमें बहुत बहुत ज़्यादा लॉस में चली गई। एक बार मैंने दीपावली के उपलक्ष्य में सभी एडवाइज़र को, चाहे वो नरवाना ब्रांच का है, चाहे वो सफीदों का है, चाहे वो असंध का है, चाहे वो बबैन का है, चाहे वो गीड़ ब्रांच का है, यानी हमारी जितनी भी टोटल ब्रांचेज थी, मैंने सबको एक जगह पे एकत्रित किया, क्योंकि मैं सर बहुत ज़्यादा टूट चुका था मार्केट से, लोगों से पैसे उठाकर, कभी किसी से 2 लाख उठा रहा हूँ, कभी किसी को 3 लाख, क्योंकि यही एक था भाई संस्था जब तक 3 साल पुरानी ना हो, जिन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो ITR वगैरह भरती हैं वो डोनेशन तभी करती हैं जब संस्था 3 साल पुरानी हो। मैं सोच रहा था कि संस्था वहाँ तक चली जाए, तब तो मैंने मिनिमम 84 लाख रुपया मैंने मार्केट से उधार उठाया, मैंने लोगों को बताने के लिए, एडवाइज़र को बताने के लिए मैंने वहाँ पर एकत्रित किया। मैंने तो जब वहाँ पर हमारा दीपावली के उपलक्ष्य में राजौंद में मैंने एक हॉल बुक किया, मतलब पैलेस बुक करवाया हमने वहाँ पर, और वहाँ पे आके मैंने सिर्फ एक ही बात बोलनी थी, यदि आप लोग ये सोचते हैं कि भाई सुनील कुमार किसी टाटा बाटा का बेटा है जो मतलब बाहर से पैसा आएगा और भाई पब्लिक में बांट देगा, ये गलत है, मैंने यही बात बोली थी उनको। लेकिन सभी एडवाइज़र ने गुटबंदी की, पहले भी संस्था चला रखी थी किसने, एडवाइजर्स ने, डोनेशन कलेक्टर तो यही थे, डोनेशन जितना भी लेके आते थे, चाहे वो कॉपी का डोनेशन था, चाहे वो सिलाई मशीन का था, चाहे वो वॉशिंग मशीन का डोनेशन था, डोनेशन तो सभी एडवाइजर्स लेके आते थे। मैं तो भी ये नहीं कहता कि भाई मैं अपने घर से दे रहा था, मैं अपने घर से कुछ नहीं दे रहा था, सब कुछ फंड था डोनेशन का, पब्लिक फंड था और सबको सुविधाएँ भी मिल रही थी। इसके बारे में सुमित्रा मैडम बताएगी कि भाई नरवाना में 22 से 23 में उसने कितना डोनेशन कलेक्ट किया और कितने लोगों तक उसकी सुविधा गई है और कितने लोगों की सुविधाएँ पेंडिंग हैं, ये सब मैडम बताएंगी। आगे 22 से 23 में यानी अब तक प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में तो अक्टूबर के बाद कोई कॉपी ही नहीं बनी। प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन में जो 1100 रुपये डोनेशन से मेंबरशिप जो लोग लेते थे, मेंबरशिप पासबुक हम लोग जो देते हैं, ये मेंबरशिप पासबुक है और कुछ नहीं है, इसके माध्यम से बंदा जिस टाइम चाहे इसको स्टडी करके उसकी सेवा ले सकता है संस्था में। कहीं ना कहीं डुप्लीकेट कॉपी उनके द्वारा बनाई गई और जो पैसा आता था कहीं ना कहीं ये वो खुद ही रखते थे। ये देख लो ना सर, मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया ना, देख लो आप लोग मैच कर लो। अब ये मेरी प्रिंटिंग प्रेस है, यानी प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन की जो प्रिंटिंग प्रेस से बन के आती थी ये कॉपी वो है, और ये कॉपी सर
आई डोंट नो सर कहाँ से आई है। तो ये महिलाएं हैं सबके पास ये कॉपी है 99% पूछो कम से कम दो टाइम लगा तो ये हाँ तो आप मैडम लेडीजों से पूछ ये कॉपी मेरे पास नहीं है सर ये यहाँ से कलेक्ट हुई है इन्हीं लोगों के माध्यम से नहीं गई है यानी कि नरवाना ब्रांच से हाँ नरवाना ब्रांच से है बोला है इन्होंने आप पूछ लीजिए आप चाहें तो अपना माइक को थोड़ा आगे उठाइए पता कर लीजिए हमारी किसी ब्रांच में नहीं है सिर्फ नरवाना ब्रांच में है वहाँ से और इसके बारे में मुझे बताया था किसने वीरेंद्र नैन ने बताया कि ये कॉपी हिसार से बनवा के बनवाई गई है आपको पता चला ये फ्रॉड चल रहा है ये मुझे कल शाम को पता लगा है सर सर जैसे प्लस टू वेलफेयर का नाम भी बताऊं और हमें तो पता भी नहीं था कि इसमें कौन शामिल है सर देखो प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन कुछ हद तक सर ये नहीं कहता कि सर यहाँ पे ही है सर बहुत सारे लोग परेशान हैं वो लोग परेशान हैं जिन्होंने घर पे रोज़गार के लिए डोनेशन दिया था लेकिन उन तक रोज़गार नहीं पहुँचा सर उसके लिए मैं सर जहाँ तक भी प्लस की वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के लोग मेरी वीडियो को सुन रहे हैं या मेरे इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के मतलब माफ़ी मांगता हूँ इसका अपराध क्या हुआ कि हमारी तीसरी ऑडिट की वजह से सर बाहर से कोई डोनेशन नहीं आ रहा है अब जैसे ही डोनेशन आएगा उसके बाद उनका जो डोनेशन आया था मेरे पास रोज़गार के लिए चाहे वो 1100 रुपया था चाहे वो 2100 रुपया था उनका वो सर मैं उन लोगों को विद इंटरेस्ट वापस कर सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे सर संस्था से कह रहा हूँ कि भाई नवंबर तक मैं सितंबर में ITR कंप्लीट भर दूंगा ऑडिट भी करवा चुका हूँ बैलेंस शीट भी करवा चुका हूँ एनुअल रिपोर्ट अभी चल रही है और नेक्स्ट सितंबर में फर्स्ट वीक में हम लोग और इसकी ITR भर देंगे उसके बाद सर हम चाहे जितने भी ITR पेयर देखो आप सभी जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारा 2% पार्ट तमाम आबादी का 2% पार्ट जो है यानी 2% लोग गवर्नमेंट जॉब पे भी हैं वो लोग भी ITR फील करते हैं अगर हम उनको बताएं कि भाई आपको क्या बेनिफिट हो सकता है यहाँ से और तो वो लोग वहाँ पे डोनेशन करने के लिए रेडी हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वर्लपूल है हायर है बहुत सारी कंपनियाँ तो ऐसे जिन्होंने अपनी संस्था भी बना रखी है भाई मतलब अरबों खरबों की डोनेशन हम लोग जैसे ITR भरें लाखों की करोड़ों की ITR भरें और तो हम अपनी संस्था में उसको दिखा दें बतौर डोनेशन तो हमारा काम भी चल जाएगा और उधर से 50% रिबेट भी मिल जाएगा। सुनील जी एक बड़ा प्रश्न है आप MD हो प्लस टू वेलफेयर के जो भी लोग प्लस टू वेलफेयर से जुड़े थे क्योंकि वो प्लस टू वेलफेयर से जुड़े थे ना कि सुमित्रा से ना किसी विशेष व्यक्ति से अगर वो जुड़े थे उनके साथ धोखा हुआ है तो आप MD होने के नाते जिन लोगों ने धोखा किया उनको क्या सुन लोगे और जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है देखो तो उनको मैं आपको बताता हूँ कल मैं जिन जिन लोगों के साथ देखो पहले मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी पब्लिक में जिन लोगों के साथ हुआ है मैंने सिर्फ मांगा उनसे सिर्फ 2-3 महीने के अंदर हम लोग सबका पैसा जो भी उन्होंने किसी मतलब सिर्फ रोज़गार पेमेंट बची हुई है लोगों की वो हम सम्मान उन लोगों की वापस देंगे और कोशिश भी करूंगा सर मैं उसका डबल भी कर दें क्योंकि हमने डोनेशन हमारे पास इतना आ जाएगा अब अक्टूबर में इतना फंड आ जाएगा कि हम कहाँ लगाएंगे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अगला टारगेट जो है वो भी चल रहा है मैं वो भी क्लियर करूँगा कि भविष्य में संस्था क्या करेगी ये कॉपी का बेनिफिट क्या है देखो सर मैं इन लोगों को भी बोलता हूँ जिन लोगों की ये कॉपी बनी हुई है वो भी ना घबराएं सर जब तक सुनील सर पब्लिक के बीच में बैठे हैं तब तक इन लोगों को भी संभालूंगा सर इन लोगों के साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा जिन्होंने लेकिन कोशिश हाँ सर उसके लिए सर मैं कल 99% सर PM विंडो और CM विंडो को रिपोर्ट करूँगा वहाँ से जो भी कार्रवाई होगी फिर पहले तो हमारी बैठक है इंडिविजुअल डायरेक्टर्स जितने भी हमारे पास डायरेक्टर हैं सबको हम लोग यहाँ बुलाएंगे एक जगह पे एकत्रित करेंगे उन लोगों से बात करेंगे भाई कारण कहाँ पे ये लोग भटके नहीं हैं सर इनको उकसाया गया है जो इनके साथ बीता हुआ जिन दौर पे मैं भी तो सर आज से नहीं हूँ सर अक्टूबर से परेशान हूँ प्लस क्यू में और फिर भी प्लस क्यू आज तक चला रखी है लोगों से लोग गालियाँ भी देते हैं मारने की भी बात करते हैं भाई जड़ा मिल गया उड़े ठावांगे ठोकांगे हर तरह के लोग मिलते हैं लेकिन अब तक कभी फ़ोन बंद नहीं करते सर रेगुलर बात करते हैं चाहे कोई भी बात करें मैं बात करता हूँ मेरे ऑफिस में कोई भी बात करे बात तो हो रही है ना जिंदा होने का तो सबूत है भाई हाँ संस्था जिंदा है लोगों तक मैसेज जा रहा है भाई हाँ आपकी बात होगी वैसे तो कोई कॉल नहीं उठाएगा हमारे जितने नंबर सेल्फ लाइन नंबर है सभी वो भी चल रहे हैं आप जितने भी कस्टमर हैं चाहे वो मतलब किसी भी डायरेक्टर द्वारा पीड़ित किया करा गया हो तो सर मैं कहता हूं कि वो एक बार हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क जरूर करें और अपनी प्रॉब्लम को बताएं कि हमारी प्रॉब्लम ये है
इसके बेनिफिट और बता देता हूँ सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं के करांगे कागज़ का टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं है सर। आगामी तौर पर आने वाले टाइम में प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन के अंदर मेडिकल्स भी होंगे, हॉस्पिटल, एक प्रोजेक्ट अभी मैं आप लोगों के बीच में पेश करूंगा। सभी प्रेस वालों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पर पूर्ण प्रकाश डालें भाई, वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, ठीक है सर। हमारा मतलब मेडिकल होंगे, उस मेडिकल में जिन लोगों के पास ये कॉपी होगी उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हुआ करेगा। पहला महत्व है ये। दूसरा महत्व है फिर आने वाले टाइम में इसके गुरुकुल्स वगैरह भी हम लोग लॉन्च करेंगे। उस गुरुकुल्स में हम लोग ये बताएंगे कि भी जिन लोग जो मेंबर्स हमारे पास जिंदा है उनके बच्चे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रहना खाना सब वहीं पे फ्री होगा। सर महिलाएं वहाँ विरोध करने जाती है तो अब ये क्या करें, और जो इंतजार करें इनके साथ 500 महिलाएं जुड़ी हैं उनका विश्वास सब सर देखिए, मैं सभी से बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई इन लोगों की पूर्ण रूप से हेल्प की जाए तो सर मेरे पास जस्ट अभी तो कुछ नहीं। देखो मैं नहीं कहता भाई मेरे पास ये है वो है, भाई ये सुमित्रा मैडम का इशू है, मैं नहीं कहता ये प्लस क्यू वेलफेयर इंडिया फाउंडेशन का इशू है, यहाँ नहीं है सर, और भी बहुत जगह मिल जाएगा आपको। ये हमारे द्वारा भी हुआ क्योंकि संस्था में फ़ंड आना काफ़ी टाइम से बंद है, मतलब ये मान लो जनवरी के बाद कोई फ़ंड नहीं आया संस्था में, अब डोनेशन आना शुरू होगा अक्टूबर में। अगर ये लोग मेरे बिहाब पे मात्र 3 महीने रुक जाते हैं, अपनी टीम को रोक लेते हैं, तो सर इनका पैसा मैं दे दूंगा, इतना बोल सकता हूँ सब लोगों के बीच में बोल। हाँ, किसने पैसे खाए सर, जिन्होंने कंपनी का नाम भी बदनाम कर तो सर उनको मैसेज दे दिया गया है मैडम को, कल या परसों में मैडम कह रही है कि भाई मेरा कान का ऑपरेशन हुआ है, मैं उसके बाद मिलूंगी, वो आने के बाद बताएगी, फिर ये लोग सबको एकत्रित किया जाऊंगा, अगर सबके बीच में बैठ के हिसाब होगा। ये नहीं है कि वो मेरे पास आए और हिसाब दे दे, ये सब वहाँ पे एकत्रित करके इनका हिसाब करवा दिया जाओगे। यानी कि प्लस टू वेलफेयर पहले की तरह आज भी उसी तरह काम